तो आज मैं आया हूँ अंजुना बीच, और अंजुना बीच पे हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है, किस तरह का करेंट सिचुएशन बीच पर फिलहाल है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें बंद थी, वाटर स्पोर्ट्स भी नहीं हो रहे थे और काफ़ी सारे जो है वो शेक भी बंद थे और बहुत ज़्यादा हाई टाइड था। और यहाँ पे कुछ लिलीपुट हो गया इस तरह के जो रेस्टोरेंट है वो भी क्लोज थे, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। कल बारिश हुई है, उसके बाद वेदर कैसा है वो भी डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हैं ट्रैवल ब्लॉग बाय रितेश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये हूँ अंजुना बीच के एंट्री पर मैं, और पीछे जो दुकानें एंट्री पर रहती थी वो अभी भी क्लोज है। जैसे ही आपको दिखाऊँ तो ये दुकान भी जो है वो अभी भी क्लोज है, कोई भी ओपन नहीं हुई है। और ये यहाँ पे जो एक रेस्टोरेंट था मामा लोको, ये भी अभी भी बंद है। लास्ट टाइम जब मैं आया था लास्ट मंथ, तब भी ये बंद थे सारे। इनकी कुछ परमिशंस नहीं ली है पूरी, उसका इशू है, तो ये अभी भी क्लोज है। और चल के देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें जो है वो अभी ओपन हुई है कि वो भी क्लोज है। तो सामने ये बीच और ये बगल मुझे शायक है, ये ओपन है। लास्ट टाइम ये भी ओपन ही था, हाई टाइड की वजह से ये भी बंद था। और अभी भी आप देखेंगे तो पानी बहुत अंदर की तरफ ही है, बट वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। लास्ट टाइम आया था तो इतनी ज़्यादा हाई टाइड था और इतनी तेज़ हवा थी कि वाटर स्पोर्ट्स भी जो है वो बंद थे, बट वाटर स्पोर्ट्स आज तो हो रहे हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा तो पूरा पानी जो है वो पूरा अंदर तक आ रखा था, ऑलमोस्ट वहाँ तक जा रहा था पानी, लेकिन आज यहाँ पे सब ठीक है और काफ़ी सारे लोग जो है उधर स्विम भी कर रहे हैं। तो ये है मामा लोको, ये बंद है, इसके बगल में ये भी बंद है, तो अभी भी जो है ये चालू नहीं हुए है। और सामने जो है वो लिलीपुट है, वो भी क्लोज है, बट वाटर स्पोर्ट्स तो हो रहे और बहुत अच्छी हवा चल रही है फिलहाल। लोग उतने नहीं हैं और शायद रीज़न वही है कि जो चीज़ें यहाँ पे बंद है तो लोग आ रहे हैं और बंद होने की वजह से लोग वापस जा रहे हैं, तो उतना क्राउड उसी वजह से मुझे लग रहा है कि नहीं है। थोड़ा उस तरफ चलते क्योंकि उस तरफ वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहा है और काफ़ी सारे लोग वहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं कंपेयर अगर हम करें एंट्री से। तो लास्ट टाइम मैं आया था तब भी ये जो है ओपन था, और पीछे जो एक गेस्ट हाउस है वो भी क्लोज है इस बार। और सामने आप देखेंगे तो ये वाटर स्पोर्ट्स हो रही है, बनाना राइड जो है बनाना वो यहाँ पर हो रहा है, और बहुत तेज़ वेव बहुत तेज़ आ रही है, मतलब बहुत यूजुअली हमेशा तेज़ी आती है अगर हम बात करें अंजुना पे तो, बट आज भी बहुत तेज़ है, उस दिन जैसी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी तेज़ है, अच्छी वेव आ रही है। ये आप देखेंगे सामने बोट, वो बहुत हाइट पर जा रही है क्योंकि लहर से टकरा रही है, तो वो बहुत ऊपर तक उछाल रही है उसको। ये लोग बनाना बम्पर सब जेट स्की सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और ये है लिलीपुट, तो ये भी क्लोज है लिलीपुट। अब ये कब चालू होंगे इसका कोई आइडिया नहीं है, जब तक जो भी इनकी परमिशन है वो नहीं हो जाती है तब तक तो ये सब बंद ही रहेंगे। ये बनाना उधर जो है लोग बैठे हुए हैं, सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं आपको वेदर बताऊं तो कल मैंने वीडियो डाला था कि बारिश हुई है गोवा में, 16 तारीख को एक अलर्ट आया था कि 16 से 20 जो है वो काफ़ी गर्मी भी रह सकती है और बारिश भी हो सकती है। तो कल बारिश हुई तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास, और उससे जो है वेदर आज और अच्छा हो गया है। हवा बहुत अच्छी चल रही है और यहाँ पे गर्म हवा नहीं चलती है तो अच्छी ठंडी हवा है, और धूप भी जो है वो उतनी तेज़ नहीं थी आज। आप देखेंगे तो ये थोड़े थोड़े से जो है वो बादल आपको दिख रहे हैं, इधर आपको मैं दिखाऊँ तो ये सूरज भी जो है वो थोड़ा सा बादलों के पीछे छुपा हुआ है फिलहाल। तो वेदर बहुत अच्छा हो गया है, और बारिश जो है वो जब भी आपको पता है समर्स आते हैं तो हर जगह जो है 1 से 2 दिन के लिए बारिश आती है क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है, बट ओवरऑल जो है
ऐसी बारिश की कोई भी वार्निंग नहीं है आगे फिलहाल, तो वेदर अच्छा रहने वाला है। ये है ऑरा, यहाँ ओपन है तो यहाँ आप देखिए म्यूजिक बज रहा है अच्छी खासी, यहाँ पे भीड़ भी है, लोग भी है, और उधर जो है वहाँ सब वो बंद है, उधर शिवा वैली वो बंद है, कर्लीज चालू हुआ था इतने दिनों बाद और वो फिर से जो है वो बंद हो गया है, कर्लीज भी उसी परमिशन का इशू को लेके। तो ये फिलहाल अंजुना पे ये सब जितने भी परमानेंट रेस्टोरेंट्स है ये सब क्लोज है अभी, पर लोग है, लोग यहाँ पर है, और उधर वो सामने जेट स्की करते हुए काफी अच्छा लग रहा है। पैरासेलिंग नहीं हो रही है, मुझे नहीं पता रीजन, हवा तो उतनी तेज नहीं है कि शायद ना हो, क्योंकि यूजुअली नहीं, अभी हुई है एक स्टार्ट, आप देखेंगे सामने स्टार्ट हो गई है, लोग शायद नहीं कर रहे थे बट हो रही है, पैरासेलिंग हो रही है, जेट स्की हो रही है, बंपर बनाना सब हो रहा है, मैंने आपको दिखाया, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाटर स्पोर्ट्स को लेकर नहीं है। थोड़ा उस तरफ चलते हैं क्योंकि वहाँ जितने भी शैक थे वो सब जो है वो हट गए हैं, सिर्फ एक या दो नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा वहाँ चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि उस तरफ क्या सिचुएशन है, उस तरफ किस तरह की भीड़ है। तो ये वापस मैं एंट्री के वहाँ पर आ गया हूँ, और ये एंट्री के बगल में जो है शैक, थोड़ा आगे उस तरफ चल के देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन है। तो ये एंट्री पे जो शेक है ये तो ओपन है अभी फिलहाल, और उसके बगल में एक और शेक है वो ओपन है, तो बस ये दो शेक ही जो है इस तरफ फिलहाल ओपन है, तो जिस तरह की जो भी क्राउड है वो सब इधर ही है तो देखने को मिलेगा इन दो ही जगह पे। और जो बगल वाला उसमें जो साइड में सारी टेबल्स लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल पूरा पानी आ रहा है, तो यहाँ तो वो बिल्कुल भी चेयर या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं रख सकते, तो उसने इस तरफ ये यहाँ लगाई है, यहाँ लोग जो है इंजॉय कर रहे हैं, कुछ फॉरेन टूरिस्ट भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अच्छा हैपनिंग सा माहौल है काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होता था तो वो उधर शिफ्ट हो गया, तो वो उधर नहीं है, और यहाँ पे जो शैक थे वो भी अब ऑलमोस्ट जो है वो बंद हो गए हैं। सामने जो है आपको उस तरफ कुछ जो है वो परमानेंट रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, और यहाँ पे भी एक ये जो बना हुआ है ऊपर आप देख रहे हैं डेक जैसा, जहाँ पे लाइफ गार्ड खड़े, वहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये है अभी करंट सिचुएशन अंजुना बीच पे, चीज़ें जो है काफ़ी सारी क्लोज होने की वजह से उतनी भीड़ नहीं है, यूजुअली अंजुना पे बहुत भीड़ होती है, आप सबको पता है काफ़ी फेमस बीच है, लेकिन आप देखेंगे इस तरफ काफ़ी खाली है, रीज़न वही है कि काफ़ी चीज़ें यहाँ क्लोज है, लोग आ रहे हैं और थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर वापस जा रहे हैं, तो उस वजह से ये एक रीज़न है। अदरवाइज़ आपने मेरा वीडियो देखा होगा कालंगुट का, कोंडलिन का, बागा पे बहुत भीड़ है, काफ़ी बहुत भीड़ है, काफ़ी लोग आ रखे हैं, बस यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं लेकिन वो वापस जा रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे उतना ऑप्शन उनको नहीं मिल रहा है। तो ये था मंथ ऑफ अप्रैल का बीच अपडेट अंजुना बीच से, तो रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।